केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हैं। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने ऐलान किया है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा, साथ ही सीबीआई द्वारा भी हिंसा की 6 घटनाओं की जांच की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। अमित शाह ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिनमें से 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि जिनके पास हथियार हैं, वो हथियार पुलिस के पास जमा कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग करेगी और कॉम्बिंग के दौरान जिन लोगों के पास हथियार निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं, उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।